हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर क्लास। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम डिस्कस करेंगे आज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन इनटू एन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, वेयर ये जो ए आई जे है ये क्या है? ये है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। आया समझ में? गॉट इट? वेयर ए आई जे क्या होगा? कोफैक्टर होगा वो ए आई जे एलिमेंट का। सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसके कोफैक्टर्स यानी कि इस एलिमेंट के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि कोफैक्टर के ट्रांसपोज को अपन क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स डिस्कस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर दिस। नाउ कम ऑन दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 23। The example number 23 is find adjoint of A for A equals to matrix दे रखी है अपने को 2, 3, 1 and 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एडजॉइंट ऑफ ए उसको डिनोट किससे करेंगे? इससे, एडजॉइंट ए। गॉट इट? नाउ वी फाइंड दैट एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कोफैक्टर्स फॉर a11। क्या होगा a11? ये रहा, ये गया क्या आ जाएगा? 4। गॉट इट? a12 क्या आएगा? ये गया 1 and -1। नाउ a21 इज -3 एंड a22 इक्वल्स टू 2। गॉट इट? नाउ वी अरेंज दिस एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। अरेंज दिस 4, -1, -3 and 2। And what is adjoint of A? Adjoint of A is a transpose of cofactors. ये cofactors है, इसका transpose. तो adjoint of A equals to transpose क्या होगा इसका? 4, -1, -3 and 2. This is adjoint of A. Got it? Now we move on some definitions. First theorem is telling about the properties of adjoint of matrix. The first theorem is if A be any given square matrix of order n, यानी कि A कोई matrix है जिसका order क्या है? n. Sorry, A कैसी है? Square matrix जिसका order क्या है? n. तो क्या होगा? A एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। गॉट इट? क्या है? अगर कोई इफ ए इज ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि a कोई भी n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी क्या है? a into adjoint of a equals to adjoint of a into a equals to क्या होगा? Determinant of a into i। आ गया समझ में? Now we move on
सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो. यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाए? जीरो. तो वो क्या होगी? एक सिंगुलर मैट्रिक्स. आ गया समझ में? यहां पर अब बात करें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज नॉट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. दो डेफिनेशंस हो गई अपने पास. पहली होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. आ गया समझ में? नाउ कुछ इन पर बेस्ड कुछ थ्योरम है, वो एक बार थ्योरम देख लेते हैं अपन. थ्योरम नंबर टू, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. थ्योरम क्या है? इजी थ्योरम है. थ्योरम है ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. कैसी सिंगुलर मैट्रिक्स है? कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर. ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देन ए बी एंड बी ए अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, नई मैट्रिक्स मिलेगी ए बी ए और बी ए, दे आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर. गॉट इट? यानी कि कोई भी मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी दो मैट्रिसेस अगर नॉन सिंगुलर है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, उन मैट्रिक्स को क्या करें? मल्टीप्लाई. तो जो गिवन, जो हमें गिवन, जो हमें मिलेगी, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में. आगे समझे. नेक्स्ट थ्योरम, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. यानी कि क्या है? इट मीन्स डिटरमिनेंट, यानी कि कोई भी दो मैट्रिसेस है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट किसका फाइंड कर सकते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स. सीधी सी बात है, ए एंड बी क्या होगी अपने पास? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इनका डिटरमिनेंट प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रो ए इंटू बी का अगर डिटरमिनेंट ले तो किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. आ गया समझ में? हम आज इसको अच्छे से समझेंगे एक्सरसाइज, या फिर इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल तो हमारे पास दो थ्योरम थी, तीन थ्योरम थी सॉरी. फर्स्ट थ्योरम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई. This one is first and second one is, कौन सी थी second वाली? Second वाली थी अपने पास A and B are square matrix, then square matrix and non-singular matrix, then AB and BA is also non-singular. Got it? आ गया समझ में? तीसरी अपने पास जो थ्योरम थी वो क्या थी? कोई भी दो दो मैट्रिक्स थी, उनके मल्टीप्लाई का, उनका प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? उन दोनों के रेस्पेक्टिवली डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के. यानी कि ए बी, यानी कि मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई किया फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. आ गया समझ में?
नेक्स्ट अपन अपन बात करेंगे अब थ्योरम नंबर 4। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। बात करते हैं अपन थ्योरम नंबर 4 की। थ्योरम नंबर 4 क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल कब होगी? ओनली इफ व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में? ये तभी होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन इससे रिलेटेड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ सॉरी इसका इनवर्टिबल का ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा अपने पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि अगर मैट्रिक्स अपने पास नॉन सिंगुलर है और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स कब होगा? इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं? जब वो मैट्रिक्स कैसी हो? नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। गॉट इट? नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 24। Let me discuss example number 24. The question is, a square matrix is given. What is the matrix? A equals to 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4. This one is matrix. Then verify. Verify क्या करना है मेरे को? जो अपनी फर्स्ट थ्योरम थी वही वेरीफाई करनी है। फर्स्ट वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सोलह माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस फोर। व्हाट वी गेट? सोलह माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री नो 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 माइनस वन माइनस थ्री इट्स प्लस वन Who is not equals to zero? इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है? नॉन सिंगुलर है। Then we find तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई? वन। वो मैं साइड में लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू वन। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे? ए वन वन। वॉट इज ए वन वन? ए वन वन कितना आ जाएगा? सेवन। सेवन ए वन टू कितना आ जाएगा? फोर माइनस थ्री वन एंड माइनस वन। ए थ्री वन ए वन थ्री इक्वल्स टू माइनस वन। ए टू वन इक्वल्स टू माइनस थ्री। ए टू टू इक्वल्स टू वन। ए टू थ्री इक्वल्स टू जीरो। A31 equals to minus 3, A32 equals to 0,
एंड ए थ्री थ्री इक्वल्स टू वन। गॉट इट, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा हमें, ट्रांसपोज होगा सेवन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री वन जीरो माइनस थ्री जीरो वन, ये हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आ गया समझ में एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कोफैक्टर्स निकालना बता दिया था पिछली क्लास में, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपना सेवन थ्री माइनस वन वन जीरो एंड माइनस वन जीरो वन। गॉट इट, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी फाइंड ए, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट फाइंड करो, वन थ्री थ्री वन फोर थ्री वन थ्री फोर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये वाला आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, करो क्या आ जाएगा, इट्स इक्वल्स टू हमें सिर्फ ये फाइंड करना है ना, यही वेरीफाई करना है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। तो हमें मल्टीप्लाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए क्या है अपने पास, वन थ्री थ्री वन फोर थ्री वन थ्री फोर, एंड एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला अपने, क्या आया था सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन वन जीरो जीरो वन। नाउ फाइंड प्रोडक्ट दीज एलिमेंट्स, क्या आ जाएगा सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री सेवन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस फोर प्लस जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री सेवन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो एंड नाउ माइनस थ्री जीरो प्लस फोर, व्हाट वी गेट, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। आ गया समझ में, यहां तक आया, ये हमारे पास आई आ गया। नाउ ये तो आ गया अपने पास LHS, RHS क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है वन एंड आई की वैल्यू क्या है वन जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। व्हाट वी गेट, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिल गई, और ये हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ दिस वन से ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, क्या होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास है, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए वन और सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू वन और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन वन जीरो माइनस वन जीरो वन, और एक का एक से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा पूरे को, यही आएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस वन वन जीरो वन जीरो वन। आ गया समझ में, नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज नंबर 4.5।
क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स करवाए थे उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं एक बार हल्का सा हिंट देता हूं करने आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एजेंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज फॉर 1 and 2। एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 2 3 4, इसका हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। इजी वे में हो जाएगा, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज में अरेंज करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। एंड वेरीफाई ए, प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें, ए और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रोडक्ट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। आप वेरीफाई कर लोगे, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसके बाद निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें रखकर इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स भी अपन ने निकाला, इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों को अपने को फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है अपने को गिवन, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आ गया समझ में? नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, 5 टू 11 में से कौन सा कोई सा भी एक कर लेते हैं। सबसे पहले 7th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। इसको नाम दे देते हैं ए, 1 2 3 0 0 2 4 0 and 5। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ये फाइंड करना है ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करना चाहता हूँ एडजॉइंट ऑफ, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, मैं ये वाली कॉलम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो ज्यादा है, तो 1 क्या बचा, 10 माइनस जीरो प्लस जीरो, कुछ नहीं बचेगा, जीरो क्या बचा, 10, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू तो आ गया अपने पास, तो सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू तो आ गया अपने पास 10। अब बात करते हैं एडजॉइंट, पहले अपन निकालेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे, a11 क्या आ जाएगा, ये गया 10 माइनस 4 0 सो 10 माइनस 0 10 a21 ये गया 0 0 a21 क्या आ गया 0। Now, A12 है, और अब क्या चाहिए अपने को, A13। ये गया 0, A13 भी 0। Now, A21 equals to, ये गया और ये गया, 10 माइनस 0, 10, A22 क्या हो जाएगा, ये है, ये वाला गया और ये वाला गया, 5 माइनस 0, 5। नाउ A23 क्या हो जाएगा, ये भी गया और ये गया, 0। A31 8 माइनस 6 2, ये आ जाएगा माइनस 10। A32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी गया और ये भी गया, 4 माइनस 0 जो माइनस 4। A33 इक्वल्स टू, ये भी गया और ये भी गया, 2 माइनस 0 इट्स 2। गॉट इट? अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 0 0 10 5 0
एनएच टू माइनस फोर एंड टू, ये आ गया अपने पास ट्रांसपोज ए। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, वन अपॉन टेन, ट्रांसपोज में टेन का इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, सीधा सीधा कर रहा हूं मैं, यहां मिलेगा वन 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 अपॉन फाइव जीरो वन अपॉन टू माइनस टू अपॉन फाइव जीरो जीरो वन अपॉन फाइव। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया समझ में। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 इसके जैसा ही है, मतलब 5 टू 11 ऐसी एक जैसे हैं। 12th क्वेश्चन, 3rd 13 12th क्वेश्चन देखो, ए और बी दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कैसे फाइंड करोगे, पहले दो मैट्रिसेस दे रखी है, दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसका क्या करना है अपने को, इनवर्स निकालना है। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इसको नाम दे देते हैं कोई सी, फिर क्या मिलेगा अपने को, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल्स टू इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। आ गया समझ में, फिर दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को आरएचएस और एलएचएस निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में ए इनवर्स भी निकालना है और ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल्स टू जीरो भी प्रूव करना है, जो अपन पिछली वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 14th क्वेश्चन भी सेम है एंड 15th 16th आपको कैसे करने हैं। दैट्स ऑल, इसी के साथ अपनी जो फोर्थ चैप्टर है वो पूरा हो गया। अब अपन सीधा चलेंगे 15th चैप्टर के ऊपर। थैंक यू।